बेतुली जमान जमाने लगते हैं कली को फूल बनने के लिए, बीज को वो पेड़ बनने के लिए। ये कायनात तुझे मौके देगी आगे कुछ बनाने की। तो ये रोना धोना मत करना, ये टाइम नहीं मिल रहा, आई एम गेटिंग टायर्ड, आई एम गेटिंग एग्जॉस्टेड, आई एम गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, वक्त नहीं है। क्योंकि अल्लाह का देने का जो तरीके कार है ना, सुनना तो वही है। आज अगर आप हल्का हल्का डालते जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा सबसे टॉप नॉच मुसलमान कौन होता, हु इज द टॉप ऑफ द लाइन, सबसे अफजल तरीन मुसलमान कौन। बंदा सोच रहा हो पांच नमाजें पढ़ता हो, ये करता हो, आपने फरमाया अदबमुहु वइन कल्ला, छोटा 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 डालता हूं मगर कंसिस्टेंटली डालता हूं, भरम कायम करता है अल्लाह उसकी दुश्मनों के कलेजों के अंदर। कंसिस्टेंसी तोड़ देती है अगले को, रोज दिखता है ये, कम दिखता है मगर रोज दिखता है। इट इज सो इंपैक्टफुल, इतना ज्यादा उसका एक इतना तासर है इसका, रोज थोड़े थोड़े का। अल्लाह कहता है ये लंबी लंबी छलांगे मत मार। इंकलाब जो है ना पांच मिनटों के नहीं होते हैं। इमाम शाफी कहता है बितूली जमान जमाने लगते हैं कली को फूल बनने के लिए, बीज को वो पेड़ बनने के लिए, छोटा छोटा। तो अगर आप लोगों ने जाया करना है, दर्द होगा मुझे, एक टाइम पर मुझे बहुत दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि मेरा दिल करता था मैं गला घोंट लूं अपना। क्या हम इसे बात समझा रहे हैं, इसको बात समझे, हमें खुद नहीं समझ आई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह कहता है ना, फरमाता है अल्लाह आप हलाक कर लेंगे अगर इन्हें गल नहीं समझ आती थी। तो वहां से आई स्टार्टेड, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था क्योंकि इतनी डेडिकेशन के साथ था कि यार ये खड़े हो जाए अपने पैरों पर, इन्हों चार गल समझ आ जाए। व्हाई द हेल इज ही नॉट गेटिंग द पॉइंट, ये प्रोसेस को क्यों डिनाई कर रहा। और चलते फिरते लड़कों के पंक्चर लग जाते हैं, नहीं वो मुंडा ही क्या जो बर्बाद ना करे अपने आप, वो जवानियां ही क्या है जो बर्बाद ना हो, और वो बर्बादियां ही क्या है जो आबाद ना करे कौन।